उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दूल्हे को पेड़ से बांधकर पीटा गया और बारातियों को दुल्हन के परिवार वालों ने बंधक बना लिया। शेरवानी पहने हुए दूल्हे को खुले में रस्सी से पेड़ पर बांधा गया और फिर पीटा गया। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को आना पड़ा। पुलिस ने दूल्हे को लॉकअप में डाल दिया है। आरोप है कि शादी की रस्मों के बीच में दूल्हा दहेज की मांग करने लगा था। इस बात पर दुल्हन के परिवार वालों को गुस्सा आ गया। दूल्हा थाने में बंद है और दोनों ही परिवार थाने में मौजूद हैं। मामले के निष्कर्ष के लिए पंचायत जोड़ी जा रही है। शादी के समय जब जयमाला के कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, तभी दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच विवाद हो गया। धराती और बारातियों के बीच हाथापाई होने लगी और जूते चप्पल तक चलने लगे। घरातियों ने बारातियों के साथ जमकर मारपीट करते हुए उन्हें बंधक बना लिया और दूल्हे को घर के बाहर मौजूद एक बड़े से पेड़ के नीचे रस्सी से बांध दिया। साथ ही उसके साथ भी मारपीट की और पुलिस को मामले की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने देखा कि शेरवानी पहने दूल्हा पेड़ से बंधा हुआ है। दुल्हन के परिवार वालों ने बताया कि रस्मों के बीच में दूल्हा दहेज की मांग करने लगा था। इसके बाद पुलिस ने उसे खुलवाया और पुलिस उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच सुलह कराने की कोशिश की जा रही है। हारापुर के नाम खराब है।